एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है उत्तराखंड से। बद्रीनाथ हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा सामने आया। एक टेम्पो ट्रेवलर वाहन अनियंत्रित होकर अलकनंदा नदी में समा गया है। हादसे में 10 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। करीब 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसा बद्रीनाथ हाईवे के रैतोली के पास हुआ है। सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ घटना स्थल पर जुट गई। एसपी डॉक्टर विशाखा अशोक भदाड़े ने हादसे की पुष्टि की है। मौके पर रेस्क्यू अभियान जारी है। हादसे की सूचना पर पुलिस प्रशासन, जिला आपदा प्रबंधन, DDRF समेत अन्य टीम मौके पर रेस्क्यू कार्य कर रही है। वहीं हादसे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया है। सीएम धामी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि रुद्रप्रयाग में टेम्पो ट्रेवलर के दुर्घटनाग्रस्त होने का अत्यंत पीड़ादायक समाचार प्राप्त हुआ। स्थानीय प्रशासन और SDRF की टीमें राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। घायलों को नजदीकी चिकित्सा केंद्र पर उपचार के लिए भेज दिया गया है। जिलाधिकारी को घटना की जांच के आदेश दे दिए गए। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगतों की आत्मा को श्री चरणों में स्थान और शोक संतप्त परिजनों को यह असीम कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करें। बाबा केदार से घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। आपको बता दें कि पर्वतीय अंचलों में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन सड़क हादसों में लोग जान गंवा रहे हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जोरों पर चल रही है। चारधाम यात्रा में काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिससे सड़कों पर वाहनों का दबाव भी काफी ज्यादा है। चारधाम यात्रा के लिए पर्वतीय मार्गों से होकर गुजरना पड़ता है, जहां एक चूक जान पर भारी पड़ जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।